सुमित जी बताएं सर। दिवांशु बाय का स्टॉक रडार पे आया है, स्टॉक के अंदर क्लास ब्रेकआउट है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 66.70 66.75 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। ये वो काउंटर है जो हम कंटिन्यूसली लोअर लेवल से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं और इस बारी इस लास्ट 6-8 महीने के अंदर स्टॉक में वन वे मूव ऊपर का देखने को मिला है। आज स्टॉक 2019 के लेवल के 2019 के हाई ब्रेक कर रहा है। स्टॉक के अंदर जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है और मार्केट खुलने के साथ जिस तरह का प्राइस एक्शन और वॉल्यूम देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि एनबीसीसी यहां से 10-15% का मूव जल्दी आने वाले दिनों में दिखाएगा। यहां पे सीएमबी पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 63-64 रुपए के पास दिखाई दे रहा है, तो फ्रेश खरीदारी के लिए 64 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और जिन्होंने ले रखा है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। 64 रुपया नीचे में स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो इसका पहला टारगेट बनेगा 71 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 75 रुपए का। ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के टारगेट है, पोजिशनल टारगेट एनबीसीसी में और ऊपर के देखने को मिलेंगे। तो मोमेंटम प्ले के लिए यहां पे खरीदारी करें, 64 के स्टॉप लॉस से 71-75 तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए, खरीदारी करें एनबीसीसी। ओके, ये है आपके लिए एनबीसीसी।